हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बालकनी गार्डन के वो प्लांट्स दिखाऊंगी जिनको मैंने ग्रो करने में एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, मेरे ज़रा सा भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। और इस मॉनसून में आप भी उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको आसपास ये जानने की कि मेरे द्वारा बताए गए प्लांट्स में से कौन सा प्लांट आपके आसपास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सबसे जो पहला प्लांट है वो है ये कनेर का प्लांट। और कनेर का प्लांट मैं अपने चाचा जी के यहाँ से लेके आई थी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट प्लांट। उनके यहाँ काफ़ी बड़ा सा पेड़ है तो उसके बीज गिरते रहते हैं, उसी से ये उग गया। और आप भी बीजों से ऐसे फ्री में उगा सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो करके आप बिल्कुल फ्री में आप इसको ग्रो कर सकते हैं मानसून में। अगला जो प्लांट है वो है ये मनी प्लांट यानी कि पोथोस। इसकी तो मैंने बहुत सारे गमले तैयार किए हुए हैं, मैंने वीडियो भी शेयर किया था। आपको कहीं से भी कटिंग मिल जाती है, ये आपके पास ही कोई पुराना प्लांट है उससे आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और भी दूसरे पौधे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है फ्रेंड्स, ये है, और इसके अलावा ये भी है। और मैंने तो बहुत सारे फ्री में ही ऐसे गमले तैयार किए हुए हैं, उनसे ग्रो कर कर के ही मैंने काफ़ी सारे मनी प्लांट ऐसे मैंने रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है दोस्तों वो मैं दिखाऊंगी आपको, मेरा ये कैक्टस का प्लांट। और इसके अलावा मेरे पास तीन वैरायटी और है कैक्टस की। ये वाला कैक्टस है, ये है और ये है। ये सारे कैक्टस बहुत ही कॉस्टली होते हैं नर्सरीज में भी, और ऑनलाइन रेट अगर आप जान तो बहुत ही ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट हैं इनके। तो ये वाला जो कैक्टस है इसका मदर प्लांट दोस्तों ये है। और काफ़ी टाइम पहले एक नर्सरी से हमने कुछ प्लांट्स खरीदे थे, वहाँ पर इसका एक इतना सा ब्रांच टूटा हुआ पड़ा था, तो वो मैंने नर्सरी वाले भैया से लिया था, वो मैंने उगाया था उसी से। देखिए ये था एक और अच्छा खासा गमला था जो नीचे गिर गया था, लेकिन उसके सारे बेबी प्लांट मैंने ग्रो कर लिए, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट प्लांट है। ये मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आई थी, इसका एक ब्रांच, ये भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। और ये भी मैं करी पत्ता का प्लांट खरीदने गई थी तो इतना सा एक ब्रांच मैंने नर्सरी वाले भैया से लिया था, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक खूबसूरत कैक्टस। अगला जो प्लांट मैं बताऊंगी आपको, मेरा ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट। और ये मैं अपने गांव में से किसी के यहाँ लगा हुआ था, वहाँ से पहले मैंने अपनी मदर के यहाँ लगाया और उसके बाद मैंने फिर ये बहुत सारे मैंने ग्रो किए अपने पास। देखिए ऐसे मैंने छोटे छोटे से गमलों में इसके काफ़ी सारे प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार कर रखे हैं। दोस्तों अगला जो फ्री प्लांट है वो है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की मेरे पास तीन से चार वैरायटी है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली में जो DDA पार्क होते हैं वहाँ से मैंने लिया था, और वहाँ के पार्क्स में बहुत से मार्ग में इतना वाइल्डली ग्रो हो जाता है कि जब वहाँ डीप क्लीनिंग की जाती है तो इनको उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे ही पार्क में एक बार उन्होंने उखाड़ा था, तो वहाँ से तीन चार प्लांट मैं लेके आई थी और मेरे पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया है। मैंने इसका कोई पैसा नहीं लगाया। मैं आपको दूसरे प्लांट भी दिखाती हूँ, ये हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों ये वाला वैरायटी भी ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल तैयार किया गया है। और नेक्स्ट जो वैरायटी है ये ड्वार्फ वैरायटी वाला स्नेक प्लांट। ये हम अपने रिलेटिव के यहाँ गए थे तो उनके यहाँ गमले में बहुत सारा उगा हुआ था, एक प्लांट में लेके आई थी और वहाँ पहले मैंने अपनी ससुराल में लगाया, और वहाँ जब बहुत सारे हो गए तो फिर मेरे पास भी ये प्लांट काफ़ी सारे हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी किए हुआ प्लांट, कोई पैसा नहीं लगा इसमें मेरा। अगला जो पौधा है वो है स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन तो देखिए फ्री में ही उगा रखी है मैंने। देखे ये इसमें गमले में जो शकरगंज यानी कि स्वीट पोटैटो होते हैं वो मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। और ये अलग अलग वैरायटी डिपेंड करती है कि वो स्वीट पोटैटो किस टाइप की है, वो हाइब्रिड है, देसी है या कुछ और वैरायटी है। किसी में पर्पल पत्ते आते हैं, किसी का डिज़ाइन और होता है। तो इसको भी आप फ्री में बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार किया हुआ मेरा प्लांट है ये। दोस्तों अगला जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लांट है मेरा ये एस्पैरेगस फर्न। एस्पैरेगस फर्न को कैसे मैंने ज़ीरो कॉस्ट में उगाया अपने पास, तो हमारे यहाँ जो आसपास सोसाइटी हैं बहुत सारे सोसाइटी के बाहर ये ऐसे ही बिल्कुल ग्रो किया जाता है रोड साइड पर। तो इस पौधे में जो सीड्स आते हैं वो जनवरी फरवरी के बाद पकने लगते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने रोड साइड से इसके कुछ सीड्स इकट्ठे किए थे और कुछ गमलों में लगाए थे,
और वो मिट्टी के गमले थे उनको मैं घर ले गई, तो वो वहाँ पर बहुत सारे उग गए और कई सारे पौधे तैयार हुए। उसके बाद फिर इनको रूट डिवीज़न कर करके कई सारे पौधे हमने तैयार किए और उनमें से एक गमला मेरा ये बहुत ही अच्छा से तैयार हो गया, तो बन गया बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार हुआ मेरा ये प्लांट। अगला जो प्लांट है वो है ये ड्रेसिना की ये वैरायटी। दोस्तों ये मैं अपने पेरेंट्स के घर से लाई हूँ, बिल्कुल फ्री में तैयार किया हुआ मेरा पौधा है। मम्मी के घर पर बहुत ही पुराना प्लांट है और उसमें से काफ़ी सारी कटिंग्स ग्रो कर करके मैं ये लाती रहती हूँ। तीन कटिंग्स इसमें हैं, इसके अलावा भी देखिए एक कटिंग यहाँ पर लगाई हुआ है, एक दो कटिंग मैंने और एक दो जगह ग्रो किए हुए हैं, तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में तैयार किया हुआ मेरा ये प्लांट। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कहूँगी, इसके मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, ये है मेरा सुंदर सा अगेव का प्लांट। हालांकि ये भी मैं घर से लेके आई थी, लेकिन अपने आसपास आपको ये पार्क में बहुत इजीली मिल जाएगा। इस तरह के पौधे रोड साइड पर भी लगे होते हैं और अगेव की बहुत सारी वैरायटी होती हैं जिनको रोड डिवाइडर पर लगाया जाता है, उनमें से छोटे छोटे से बेबी पप्स निकलते हैं जिनको अलग करके आप नया पौधा बना सकते हैं। मेरे पास एक ये वाला वैरायटी है, एक और वैरायटी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों दूसरा ये टोटल ग्रीन वाला वैरायटी है, और पहले मेरी मदर के पास चार पांच तरह के अगेव प्लांट थे लेकिन अब नहीं है, तो ये दो वैरायटी थी, दोनों वैरायटी मेरे पास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने ये पौधा तैयार किया है, एक और गमले में मैंने यहाँ लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स अगला एक और प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट है वो है मेरा ये गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा मैंने कटिंग से तैयार किया था, घर से मैं लगा के आई थी। आपको ये पौधा पार्क में भी इजीली मिल जाएगा, तो ये कटिंग से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मेरा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट का प्लांट है, कोई पैसा मैंने खर्च नहीं किया, अच्छी ग्रोथ हो रही है इस प्लांट की। दोस्तों वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा और आगे और भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं, उन सबको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको शो करूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।